नमस्कार दोस्तों, आज भी मेरे पास बहुत सारी अपडेट्स है कॉमेडियन कम्युनिटी से। सबसे पहले बात करते हैं फॉरेन कॉमेडियन मैथ्यू पेरी के बारे में। मैथ्यू पेरी फ्रेंड्स के जाने माने कलाकार का आज निधन हो गया 54 वर्ष की उम्र। आधी रात में लॉस एंजलस में उनके घर में ही बाथ टब में उनके लाश मिली। उनकी मौत कैसे हुई उसके बारे में पुलिस अभी छानबीन कर रही है, जिसके बारे में इंडिया में कई कॉमेडियंस भी रिएक्ट किए उनके ऊपर। वीर दास लिखे, ओ मैन मैथ्यू पेरी, दिस इज सो सैड, रेस्ट इन पीस। अतुल खत्री लिखते हैं, टुडे डू वन थिंग, कॉल अप अ ओल्ड फ्रेंड हु हैव नॉट स्पोकन टू अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड जस्ट हैव अ कन्वर्सेशन। विपुल गोयल ट्वीट किए, आरआईपी लेजेंड, डिस्कवर फ्रेंड्स इन कॉलेज एंड ऑलवेज वांटेड टू बी कैलेंडर बीइंग इन रियल लाइफ, व्हाट अ जीनियस। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो अगली अपडेट समय रैना के बारे में है। तो आप लोगों को ये तो पता है कि समय रैना एक प्रिंटिंग इंजीनियर है, पर आप लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि वे एक IITian भी है। तो वे एक IITian कैसे है, जिसके बारे में पूरा रील अपलोड करते हुए, जिसको देखकर आप समझ जाओगे। तो आप भी देखो ये तो बगिल्ली अपडेट को पढ़ते हैं, जो कि हर्ष गुजराल के बारे में। तो हर्ष गुजराल के साथ ऑस्ट्रेलिया में ऐसा क्या हो गया कि उनको एक पूरा वीडियो बनाना पड़ा इंडिया बहुत ही अच्छा है बोल करके। तो कल वे एक इंस्टा में स्टोरी डालते हैं, जिसमें कि वे एक साइड होकर ये बताया कि इंडिया बेस्ट है, अमेरिका से या फिर कहीं भी जाओ इंडिया सबसे बेस्ट है। कैसे वो देखो आप। जितने भी इंडिया में लोग हैं जो अमेरिका आना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, कोई जरूरत नहीं अमेरिका आने की, इंडिया बेस्ट है एकदम। यहाँ पे पता नहीं आधी रात को 3:19 पे अपने आप आंख खुल जाती रोज मेरी, कुछ नहीं। कल भी 3:19 पे उठ गए थे, उसके बाद भटकते रहे आत्मा की तरह, आज भी 3:19 पे उठ गए, अब भटक रहे आत्मा की तरह, समझ नहीं आता। नीचे जा नहीं सकते, दिन में सन्नाटा होता है, तो इस समय तो वैसे ही वहां पे कुछ नहीं है, मतलब ऊपर से अंधेरे कर रखे, पता नहीं एक लैंप ये दे रखा है साला, पता नहीं कैसे जलता है ये, अंदर इसके बटन है, पीछे कहाँ दे रखा है बटन, कुछ पता नहीं है। तो अगली अपडेट अनुभव सिंह बस्सी के बारे में है। तो अनुभव सिंह बस्सी ने कल एक शो करा था, जिसमें उन्होंने इतिहास रच दिया। तल कटोरा स्टेडियम में उनका शो था, जिसमें कि 10,000 लोग उनका शो देखने आए थे, टिकट खरीद, जिसके बारे में हर्ष गुजराल रिएक्ट करते हुए ये वाला स्टोरी डालते हैं, अल्सो मेरे भाई इंडिया में इस समय फिर से हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं बस्सी, 10,000 लोग शो देखेंगे, पागल है ये बस्सी। अल्सो गुरलीन पन्नू भी उनका शो देखने आई थी, जिसमें कि वे रिएक्ट करते हुए ये वाला स्टोरी डालती थी, हमको बताएंगे हम तो बता देंगे, सबको बताएंगे हम। ऑल्सो हर्ष गुजराल का नया क्राउडवर्क वीडियो जो था विक्की कौशल वाला, वो 8 मिलियन व्यूज टच कर चुका है, जिसके बारे में ये वाला स्टोरी डालकर हुए लिखे थे, 8 मिलियन व्यूज ऑन दिस, इसको 10 मिलियन करा दो जिम्मेदारी से पूरी हो जाती है बस, मतलब कि 10 मिलियन कराओ ऐसा बोले हुए। अगली अपडेट जाकिर खान के बारे में। तो उनके रिसेंट इंटरव्यू से जाकिर खान से जुड़ी हुई दो ऐसे अननोन फैक्ट बताता हूं, जिसको आपको जानना चाहिए और आप नहीं जानते होंगे। पहला फैक्ट ये है कि जाकिर खान एक लेफ्टी है, जिनको राइटी हैंड से खाना भी नहीं आता था बहुत दिनों तक। एक क्लिप देखो आप। दोनों हाथ गंदे हो जाते हैं क्योंकि मैं लेफ्टी हूँ, तो बड़ी मुश्किल से सीधे हाथ से खाना सीखा है। अरे रे, सीधे हाथ से खाने में क्या पूरा नहीं खाया जाता, हाथ चलता नहीं होता, तो उल्टा हाथ लगाना पड़ता है, तो दोनों हाथ गंदे हो जाते हैं। तो दूसरा नॉन फैक्ट यह है कि जाकिर खान एक प्रोफेशनल सितार प्लेयर है, उन्होंने एक पूरा डिप्लोमा का कोर्स करा है सितार से जुड़े हुए, मतलब उनको एक नौकरी अगर पाना चाहे सितार प्लेइंग में तो उनको आराम से मिल सकता है। जो क्योंकि सितार सीखी हुई है ना, यस, ये डिप्लोमा है, देखिए भाई लोग जिनको पता नहीं था, हाँ, सितार जी। तब अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तो एक कॉमेडियन है विवेक समतानी, उन्होंने रोस्ट करा है रणबीर सिंह को। तो रणबीर सिंह और दीपिका पादुकोण को हाल ही में काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है कॉफी विद करण वाला एपिसोड के किसी क्लिप के कारण। तो उसी के बारे में रोस्ट करते हुए विवेक एक रील अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम में, वो देखो आप। भाई अब आप पे ही गाड़ी गाड़ी आ गई है, कुछ बता दो बाकी लड़की को पता है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, लगातार ऐसे ही कॉमेडियन से जुड़ी अपडेट पाने के लिए लाइक सब्सक्राइब करके घंटा दबाना मत भूलिएगा।